दैट यू वुड प्रॉब्ली एंड अपनी नीडिंग अराउंड एट पॉइंट टू फाइव करोड़ रुपीज एज योर कॉर्पस सो दैट यू कैन रिटायर कम्फर्टेबली येस आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे दैट आप सक्सेसफुल कैसे रिटायर हो सकते हैं एंड इतना कॉर्पस बना सकते हैं दैट आपकी लाइफ स्टाइल पर कोई फर्क न पड़े हाय आई एम समर्थ फॉर द पास्ट इलेवन ईयर्स आई हैव बीन वर्किंग इन द फाइनेंस इंडस्ट्री एंड आई एम करंटली द इन्वेस्टमेंट्स लीड एट विंटवेल्थ रिटायरमेंट शियली इसका मतलब होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम आज के एग्जाम्पल में हम ये एज्यूम करेंगे दैट आपने अपना जॉब या अपना करियर 22 या 23 इयर्स की एज में स्टार्ट किया एंड एज ऑफ टुडे आप 30 इयर्स के एज के हैं फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स वी आर एज्यूमिंग दैट यू विल कंटिन्यू योर एक्टिव लाइन ऑफ वर्क एसेंशियली मीनिंग दैट आप 50 ईयर्स की एज में रिटायर हो जाएंगे वेट 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 मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा ये वीडियो तो अर्ली रिटायरमेंट के बारे में था सी द आइडिया इज़ टू लेट यू नो दैट क्या मेथड होना चाहिए रिटायरमेंट कैलकुलेशन के लिए अगर आप उसमें ज़्यादा एग्रेसिव होंगे तो हो सकता है आप बाई फोर्टी ही रिटायर कर जाए या बाई फोर्टी फाइव रिटायर कर जाए इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंसिस्टेंसी एंड योर परसिस्टेंस फॉर द टाइम्बिंग हमने इसको बहुत ही कॉन्जरवेटिव वे में कैलकुलेट किया है एंड इसी लिए हमने फिफ्टी ईयर्स की एज को कंसिडर किया है रिटायरमेंट एज सो नाउ वील बी फोकसिंग ऑन द एग्जाम्पल एंड इसके लिए हम एक्सेल शीट देखेंगे बाय द वे ये जो एक्सेल शीट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से एंड ऑल्सो हेल्पस नो इन द कॉमेंट्स इफ़ यू फाउंड दिस एक्सेल शीट टू बी यूजफुल आप अभी भी इसे डाउनलोड करके लाइव वाइल्ड वॉचिंग द वीडियो नंबर्स को चेंज कर सकते हैं एंड देख सकते हैं इफ़ इट इज़ सूटिंग यू एंड हाउ इट कैन हेल्प यू टू अचीव योर रिटायरमेंट हमने एज्यूम किया है दैट आपकी करंट एज इज़ थर्टी इयर्स और आपने अपना वर्क लाइफ या अपना जॉब अपना करियर शुरू किया था अराउंड ट्वेंटी टू या ट्वेंटी थ्री ईयर्स की एज में आप रिटायर होना चाहते हैं फिफ्टी ईयर्स की एज में एंड आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अराउंड एटी ईयर्स नाउ बिकॉज आपने अराउंड सात साढ़े सात आठ साल ऑलरेडी काम कर लिया है हम ये एज्यूम कर रहे हैं दैट आपने रफली टू टू एंड हाफ लैक पर ईयर सेव किया होगा तो टोटल आपकी जो सेविंग्स अभी तक एज़ ऑन डेट है दैट इज़ सिक्सटीन लैख रुपीज़ ये कैसे स्प्लिट है मेजॉरिटी पोर्शन जो इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है वो हुआ है म्यूचुअल फ़ंड में मैं भी पर्सनली जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मेजॉरिटी सेविंग्स अप टू 80 90 परसेंट मैं म्यूचुअल फ़ंड्स में करता था एंड आई यूज़ टू स्प्लिट देम इनटू ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स एंड अ स्मॉल पार्ट इनटू डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स उसके बाद क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ई में कॉन्ट्रीब्यूशन देना ही है सो so हमने एज्यूम किया है दैट दिस इज़ अराउंड थ्री लाख रुपीज़ आपने इमरजेंसी फंड के लिए कुछ पैसा एफ में और बैंक बैलेंस में रखा हुआ है विच इज़ अराउंड टू लाख रुपीज़ एंड देन रिमेनिंग मनी यू हैव एक्सप्लोर्ड अनदर डेट ऑप्शन दैट इज़ पब्लिक प्रोविडेंट फंड और इसमें आपने टू लाख रुपीज इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं बेसिस आर एजम्शन एंड कैलकुलेशन आप इस पूरे के पूरे सिक्सटीन लाख रुपीज़ के कॉर्पस पे अप टू द एज ऑफ रिटायरमेंट दैट इज़ फॉर द नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर्स टेन परसेंट रिटर्न जनरेट करेंगे सो दिस सिक्सटीन लाख रुपीज़ विल गेट कन्वर्टेड टू वन पॉइंट वन फाइव करोड़ रुपीज़ येस यू हर्ड इट राइट यकीन मानिए इफ़ यू डू द सेविंग्स कंसिस्टेंटली एंड इन अ डिसिप्लिन वे आपका कॉर्पस धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है बाय द टाइम आई हैड कंप्लीटेड फाइव ईयर्स इन माई जॉब आई हैड इनफ मनी टू पे फॉर माई कार ऑल इन कैश बट डज दैट मीन दैट मैंने ऐसा किया नो बाय द वे इफ यू वॉन्ट टू नो इफ़ इट मेक सेंस फॉर यू टू बाई अ कार और यूज सर्विसेज लाइक ओला एंड ओबर प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं दैट आपकी मंथली टेक होम सैलरी इज़ वन लैख रुपीज़ एंड इसमें से आप सिक्सटी थाउजेंड दैट इज सिक्सटी परसेंट ऑफ योर टेक होम सैलरी आप स्पेंड कर देते हैं उसके बाद आपकी सेविंग कितनी हुई फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ अब अगर आप ये सेविंग मंथली कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन वे में सेव करते हैं देन आप आराम से इतना कॉर्प जनरेट कर सकते हैं जिससे कि आप अपने रिटायरमेंट लाइफ में आराम से अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकें एंड किसी पे भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो नेक्स्ट एक्जशन जो हमने लिया है वो ये लिया है कि आप ईयर ऑन ईयर अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट पाएंगे दैट इज़ अराउंड एट परसेंट का आई नो कभी आपको लग रहा होगा एट परसेंट नंबर तो ज़्यादा है लेकिन आपको ये भी सोचना होगा दैट ऑल दो देयर माइट बी ईयर्स जब आपको सिर्फ फाइव परसेंट सेवन परसेंट मिले आई रिलीविश really इतना कम कभी ना मिले आपको बट देयर विल बी ईयर्स जब आप जॉब स्विच करेंगे या आपका प्रमोशन होगा जिस ईयर में आपकी इंक्रीमेंट माइट बी ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट प्री रिटायरमेंट एज में दैट इज टू द एज ऑफ फिफ्टी ईयर्स हमने जो अज्यूम किया है रिटर्न वो आपको मिलेगा टेन परसेंट ऑन द अमाउंट विच आर इन्वेस्टिंग एंड ऑन द कॉर्पस विच यू ऑलरेडी हैव सेव्ड देन रिटायरमेंट के बाद दिस फिगर ड्रॉप्स टू सेवन परसेंट आई नो ये आपको कम लग रहा होगा बट कंसिडरिंग दैट रिटायरमेंट के बाद आपकी प्रायोरिटी विल बी टू सेव कैपिटल

देन ऐसा भी है दैट अगर आप सर्विसेज लाइक इंटरनेट अभी यूज़ कर रहे हैं जिसकी स्पीड वन जी बी पी एस है उस टाइम हो सकता है आपको सिर्फ टू हंड्रेड एम बी पी एस या हंड्रेड एम बी पी एस की ज़रूरत पड़े सो दैट विल रिड्यूस योर एक्सपेंसिज एंड ऐसे बहुत सारे और भी एक्सपेंसिज होंगे सो हमने अज्यूम किया है दैट अराउंड ट्वेंटी परसेंट का रिडक्शन होगा आपके एक्सपेंसिस में पोस्ट रिटायरमेंट ये सारे एक्सपेंसिज हैव बीन एडजस्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं जो शायद लाइफ में एक बार या दो बार होते हैं उनमें से एक एक्सपेंस मान लीजिए अगर आपको अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है अगर आज की डेट में आप अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए भेजना चाहेंगे तो शायद आप अराउंड थर्टी थर्टी टू लैक्स रुपीज स्पेंड करेंगे टू सेंड द चाइल्ड एट अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन ये हमने अज्यूम किया है दैट जब आप फिफ्टी टू ईयर्स के एज के होंगे तो ये एक्सपेंस होगा एंड एट दैट टाइम कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन ऑफ सिक्स परसेंट दिस विल भी अराउंड नाइन्टी सिक्स लैख रुपीज़ अब आपने अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए भेजा है देन आफ्टर वो सेटल हो जाएगा प्रॉबली ही और शी विल गेट मैरिड राइट हमने एज्यूम किया कि अगर आज आप उसकी मैरिज करेंगे तो यू विल एंड अप स्पेंडिंग अराउंड ट्वेंटी फाइव लैख रुपीज़ ये इवेंट तब अगर होगा हमारे एक्जम्शन से जब आप सिक्सटी ईयर्स के हो चुके होंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी स्पेंडिंग अराउंड एटी लैख रुपीज़ सो दिस ऑल्सो हैज़ बीन बिल्ट इन इन दिस मॉडल लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ मेडिकल एक्सपेंसिस जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी मेडिकल नीड्स भी हो सकता है बढ़े आई रियली विश ऐसा ना हो बट हो सकता है सो ऑन अ कॉन्जरवेटिव बेसिस हमने एज्यूम किया है दैट बाई द टाइम यू टर्न सिक्सटी फाइव यू माइट एंड अपनी नीडिंग अ मेडिकल एक्सपेंस बजट ऑफ अराउंड फिफ्टी लैख रुपीज राइट जो उस टाइम पे अराउंड वन पॉइंट सिक्स करोर्स का हो चुका होगा राइट थर्टी फाइव ईयर्स फ्रॉम नाउ इट वुड बी अराउंड वन पॉइंट सिक्स जीरो करोर्स सो अज्यूमिंग ऑल ऑफ दिस अगर आप ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन देखें देन आप देखेंगे दैट यू वुड प्रॉब्ली एंड अपनी नीडिंग अराउंड एट पॉइंट टू फाइव करोर रुपीज एज योर कॉर्पस सो दैट यू कैन रिटायर कम्फर्टेबली अगर आप इतना कॉर्पस जनरेट कर लेते हैं बाय इन्वेस्टिंग अराउंड फोर्टी परसेंट ऑफ योर सैलरी बेसिज द फॉलोइंग एक्शन मंथ ऑन मंथ ईयर ऑन ईयर इन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प यू जनरेट गुड रिटर्न लाइक म्यूचुअल फंड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर द अर्ली स्टार्टर्स एंड देन स्लोली एंड स्लोली मूविंग टूवर्ड्स मोर ऑफ कॉन्जरवेटिव इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पे आप आराम से नाइन एंड हाफ नाइन पॉइंट सेवन परसेंट जनरेट कर सकते हैं देन यू विल बी एबल टू अचीव दिस कॉर्पज एंड बेसिस दिस कैलकुलेशन जो आप थर्ड शीट पे देख सकते हैं पोस्ट रिटायरमेंट यू विल सी दैट इवन आफ्टर यू टर्न इटी इज ऑफ एज अराउंड अराउंड वन करोड़ रुपीज़ यू वुड स्टिल बी लेफ्ट विथ आप इस शीट में अपने और भी एडिशनल एक्सपेंसिस अपनी एज वाइज डाल सकते हैं अगर आप देखेंगे पहली शीट में हमने एडिशनल वन से लेकर एडिशनल एट तक जगह दी है एज एन वेन यू एंटर इट देयर इट विल ऑटोमेटिकली गेट कैलकुलेटेड एंड आपको रिजल्ट आता जाएगा आपका रिटायरमेंट कॉर्पस जितना बड़ा होगा उतनी ही आपको ईज होगी रिटायरमेंट लाइफ में उतना ही ज़्यादा सब कुछ आप अफोर्ड कर पाएंगे टू गिफ्ट योर फैमिली एंड एन्जॉय द मोमेंट्स विद दैम इसीलिए सेविंग्स जरूरी है इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है एंड इफ यू आर वरी टू नो हाउ यू कैन मेक योर पोर्टफोलियो स्ट्रॉगर एंड बेटर इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस फ्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स विच विल हेल्प यू जनरेट पैसिव इनकम अलॉन्ग विथ मेंटेनिंग द सेफ्टी ऑफ योर पोर्टफोलियो Until we meet next time, happy venting.